नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस समय सीबीआई की रेड जो है वो बिजली विभाग के कार्यालय में पड़ी है। उसी कार्यालय के मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये कार्यालय देखें, ये बिजली विभाग का कार्यालय है। और ये कार्यालय कहाँ पर है मैं आपको बताऊँ, गांधीनगर में नई बस्ती में ये कार्यालय है। मेन रोड पर ये कार्यालय है और यहाँ पर सीबीआई के रेड का कारण जो हमें पता चला है, जो जानकारी हमारे तक सार्वजनिक हुई है कि एक रिटन कंप्लेंट जो थी वो जई के खिलाफ की गई थी। और जई जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो सुभाष नगर के रहने वाले थे, जो जई हैं वो सुभाष नगर के रहने वाले थे। और ये भी जानकारी मिल रही है, जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि रेड हैंडेड उन्हें पकड़ा गया है। और उसके बाद यहाँ बिजली विभाग के कार्यालय में सीबीआई ने दबिश दी है। पहले उनके शायद घर में भी दबिश दी थी और उसके बाद यहाँ पर भी दबिश दी गई है। कुछ कागज़ वगैरह जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग की बात करें तो बिजली चोरी की कई सारी खबरें जो हैं आती रहती हैं। और ये खुद भी डिपार्टमेंट को पता है कि कितनी बिजली चोरी होती है, कौन लोग बिजली चोरी करते हैं, इसकी जानकारियाँ कम ही मिल पाती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा शातिर ये लोग हैं और मीटरों में कुंडियां लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, ना जाने ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन कल हमने आपको एक खबर भी दिखाई दी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि एक मीटर रीडर जो है वो मीटर चेंज करने का और मीटर में वायर्स ना लगाने का, कनेक्शन ना लगाने का 8,000 रुपये मांग रहा था। और उसके बाद अब ये दबिश कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि आखिर बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं। और जेई के ऊपर इस तरह से कोई रिटर्न कंप्लेंट करे और उसके बाद सीबीआई की रेड और फिर रेड हैंडेड पकड़ना, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। ये तस्वीरें आप देखें इस कार्यालय की, यहाँ पर सीबीआई जो है वो इस समय अंदर उनकी रेड चल रही है और वो कागज़ जो है वो शायद खंगाल रहे हैं। क्या क्या जानकारियां निकल कर सामने आती हैं वो तो समय ही बताएगा। लेकिन एक प्रश्न जो है वो बिजली विभाग के ऊपर भी लगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि पहले भी कई जगहों के ऊपर सीबीआई की रेड हुई है और रेड के पीछे का कारण जो है वो करप्शन है। और कितने बड़े लेवल पर, बड़े स्तर के ऊपर करप्शन हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप सोच नहीं सकते। हर रोज़ ऐसी खबरें, हर रोज़ ऐसी बातें। और अब धारा 370 के बाद अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन भी सतर्क हुई है और वो भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों से संज्ञान ले रही है, पूछताछ की जा रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या काम किया आपने। और कहीं ना कहीं ये लोग थोड़े से अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सक्रिय हुई है और कर्मचारी थोड़े से चिंता में हैं। लेकिन हर रोज़ ये लोग कहीं ना कहीं घपले कर रहे हैं, शर्म इनको फिर भी नहीं है। और अब ये रेड हैंडेड पकड़ा जाना, जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि रेड हैंडेड पकड़ा गया और रिटर्न कंप्लेंट थी, सुभाष नगर में इस जई का घर था, वहाँ पर भी सीबीआई ने दबिश दी थी और अब इस कार्यालय के अंदर जो दबिश दी है, अब क्या जानकारी निकल कर आती है, जैसे ही हमारे पास कोई जानकारी आएगी हम आपके साथ साझा करेंगे। आप जुड़े रहें दैनिक समाचार के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।